खबर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से। राष्ट्रीय जनता दल में संगठन चुनाव जो है उसका दौर शुरू होने वाला है और 30 जून तक सदस्यता अभियान की तारीख पहले पार्टी ने तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 जुलाई कर दिया गया है। मतलब पार्टी की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया है बिहार में मेंबरशिप ड्राइव को लेकर के, वो अब 15 जुलाई तक हासिल करना होगा नेताओं को सक्रिय, और जो सदस्यता अभियान है उसका दौर जो है वो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। पार्टी ने यह फैसला किया कि पिछले दिनों मानसून सत्र में विधायकों की व्यस्तता रही, जिसको लेकर के एक बार फिर से मेंबरशिप ड्राइव जो है उसकी मियाद जो है वो बढ़ा दी जाए। लेकिन दरअसल 15 जुलाई के बाद क्या होने जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और खबर संगठन चुनाव से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक चुनाव को लेकर के पूरा कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है, और सबसे पहले जब सदस्यता अभियान खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बूथ स्तर के चुनाव कराए जाएंगे। बूथ अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद पंचायत और फिर प्रखंड स्तर का चुनाव, और जिला स्तर से होते हुए राज्य कार्यकारिणी तक का गठन किया जाना है। राज्य कार्यकारिणी का जब गठन होगा तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव उसी दौर में होना है। प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकाल सितंबर के महीने में खत्म हो जाएगा। मतलब राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व किसके हाथों में जाने वाला है, ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अब दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव और लालू यादव को उन्होंने इस बात की जानकारी पिछले दिनों ही दे दी थी। और हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि खुद तेजस्वी भी अब ये चाहते हैं कि जगदानंद सिंह की जगह किसी दूसरे युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी जाए। दरअसल जगदानंद सिंह को जब यह भूमिका दी गई थी तो उस दौर में पार्टी जो है वो कह सकते हैं कि एक संकट के दौर से गुजर रही थी। एक तो बिहार में पार्टी सत्ता में है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी तरफ कई तरह की गतिविधियां ऐसी हो रही थी जिनमें अनुशासन की कमी मानी जाती थी। कमी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने जगदानंद सिंह और लालू यादव ने जगदानंद सिंह पर भरोसा जताया था। जगदानंद सिंह को जब रामचंद्र पूर्वे की जगह पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने बड़े बदलाव किए राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल का न केवल कार्यालय बदला बल्कि पार्टी के काम करने का तौर तरीका बदला। जगदानंद सिंह के अध्यक्ष बनते जो कह सकते हैं कि डिसिप्लिन दिखा पार्टी में, वो अब के पहले कभी नहीं दिखा था। लेकिन अब जगदानंद सिंह की विदाई जो है वो सितंबर महीने में होने जा रही है, और हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जिन चेहरों को पसंद कर रहे हैं इस वक्त प्रदेश नेतृत्व के लिए, उनमें एक बार फिर से पुराना नाम सामने आया है, आलोक मेहता का। आलोक मेहता पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और तेजस्वी यादव के करीबी ही नहीं, तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिक्स के अंदाज को समझने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले दिनों जब मानसून सत्र चल रहा था तो उस दौर में हमने देखा था कि आलोक मेहता के ही घर पे विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, और आलोक मेहता ने पूरा आयोजन किया अपने आवास पे। वहीं पर तेजस्वी यादव पहुंचे थे, पार्टी के दूसरे नेता पहुंचे थे। तो आलोक मेहता सबसे पसंदीदा चेहरे के तौर पे हो सकते हैं, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक। आधिकारिक तौर पर अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन जब संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद प्रदेश नेतृत्व का चुनाव होगा, और प्रदेश नेतृत्व के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो कार्यक्रम अब तक संगठन चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया है। लेकिन जगदानंद सिंह अगर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो इसके पीछे केवल एकमात्र कारण ये नहीं है कि जगदानंद सिंह की उम्र ज्यादा हो चुकी है। उनकी उम्र जो है कहीं से भी उनके कामकाज के तरीके में आड़े नहीं आती है, बस सबको पता है। जगदानंद सिंह 10 बजे 10:30 बजे सुबह ही प्रदेश कार्यालय पहुंच जाते हैं, लगातार बैठ के करते हैं, अलग अलग नेताओं से मिलते हैं, जिला स्तर से जो कार्यक्रम तय होते हैं उनका फीडबैक लेते हैं, और कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी जगदानंद सिंह एक्टिव रहे थे। लेकिन उनको सबसे ज्यादा जो परेशानी हुई अपने कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो परेशानी हुई लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर। तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे। कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि जगदानंद सिंह ने यहां तक
कह दिया अंदर ही अंदर कि वो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने बार बार उनको मनाया। जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने से राष्ट्रीय जनता दल को यह फायदा हुआ कि सामाजिक समीकरण के लिहाज से जहां पर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, तो वैसी परिस्थिति में जगदानंद सिंह चूंकि राजपूत जाति से आते हैं तो उनके अध्यक्ष रहते तेजस्वी यादव के लिए चीजें स्मूथ करना ज्यादा आसान रही। लेकिन अब जगदानंद सिंह के विकल्प के तौर पे अगर वाकई आलोक मेहता को लिया जाता है तो एक बार फिर से जो कुशवाहा कार्ड है वो सामने आ सकता है, और जिस कुशवाहा कार्ड की बूते नीतीश कुमार बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तेजस्वी यादव भी उसी कुशवाहा कार्ड को अपने यहाँ आगे कर सकते हैं और उसको लेकर के वो आगे की राजनीतिक प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा कि वाकई आलोक मेहता को जगह मिल जाती है, वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं या फिर किसी दूसरे नाम की चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में जिन नामों की चर्चा सबसे ऊपर है उसमें जगदानंद सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पे आलोक मेहता को देखा जा रहा है। तमाम खबरें तमाम अपडेट आपके लिए लगातार इसी तरह लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, हमारे सब्सक्रिप्शन का जब नोटिफिकेशन जाता है तो उस नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करिए। नमस्कार। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।